हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं सैमसंग माइक्रोवेव में कपकेक रेसिपी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे व्हिपिंग क्रीम। ये अमेजोन से परचेस किया हुआ व्हिपिंग क्रीम पाउडर है, जो आपको 450 ग्राम में 350 रुपये में मिल जाता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं अपने अंदाज से क्रीम तैयार कर रही हूँ, आप जितना चाहे क्रीम बना सकते हैं। और हमें इसमें सिर्फ दूध मिलाना पड़ता है, ठंडा दूध। और उसके बाद जब आप बना लेते हैं तो फ्रिज में आप 2 से 3 दिन तक इस क्रीम को रख सकते हैं। तो चलिए पहले क्रीम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है अपने अंदाज से इतना पाउडर। इसमें हम लेंगे दूध, ये ठंडा दूध है, और ब्लेंडर की मदद से हमें इसको ब्लेंड कर लेना है। आपको ज़्यादा दूध नहीं मिलाना है, अगर पतला हो जाता है तो आप इसमें और पाउडर मिलाकर इसको गाढ़ा कर सकते हैं। तो 3 से 4 बार हमने ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और ये अब ये तैयार है। पाइपिंग बैग में हम इसको फिल करके फ्रिज में रख देते हैं। तो दोस्तों, ये जो पाइपिंग बैग है आप देख रहे हो, ये अमेजोन से आप परचेस कर सकते हैं। केक बनाने के सभी आइटम्स आपने देखा होगा, आसानी से मिल जाता है अमेजोन से ऑनलाइन। अब दोस्तों, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है इस क्रीम को। 15 मिनट के बाद हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब ये है मेरे पास वनीला केक प्रीमिक्स पाउडर, ये भी मैंने अमेजोन से ही परचेस किया है। और इसमें हमें कुछ मिक्स करना नहीं पड़ता है, सिर्फ हमें तेल लगेगा और दूध की सहायता से या फिर पानी से भी आप इसका बैटर तैयार कर सकते हैं। तो कप के अंदाज से मैंने 1.5 कप ले लिया है। इसमें हम दूध मिक्स करेंगे। हमें इतना ख्याल रखना है कि बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इस तरह से देखिए मैंने बना लिया। कपकेक बनाने के लिए आपको 2 कप वनीला प्रीमिक्स पाउडर लग सकता है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये है मफिन मोल्ड। इसमें हमें ऑयल लगा लेना है, और साथ ही हम 1 से 1.5 चम्मच ऑयल इस बैटर में भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब चलिए इस बैटर को फिल करते हैं। और आपको ख्याल रखना है कि पूरा फुल आपको भरना नहीं है। तो यहाँ पे बैटर कम लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने और तैयार कर लिया। और इस तरह से मैंने 6 कप को फिल कर लिया। आधा ही बैटर मैंने डाला है इस मोल्ड पर, आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा हम अगर करते हैं तो ओवरफ्लो हो सकता है। चलिए अब हम माइक्रोवेव में रखते हैं। और दोस्तों, मैंने प्रीहीट कर लिया था माइक्रोवेव को 5 मिनट के लिए। बीच में हम अच्छे से ट्रे को रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा स्क्रीन पैनल पर, यहाँ लिखा है कन्वेक्शन, ग्रिल और माइक्रोवेव। हमें बेक करना है, इसलिए हम कन्वेक्शन मोड यूज करेंगे। इस बटन को ऑन करते हैं तो 180 डिग्री बता रहा है। सिलेक्ट में जाकर हमें टाइमिंग सेट करना है। ये वाला जो एरो दिख रहा है, इससे हम प्लस करेंगे, और मैं 15 मिनट का टाइमिंग रख रही हूँ। हम चाहे तो 20 मिनट्स का भी रख सकते हैं, लेकिन जो केक है वो जल सकता है, इसलिए 15 मिनट का रखते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं। बटन को स्टार्ट कर दिया है तो केक बेक होना शुरू हो गया है। 15 मिनट के बाद आप ये देखेंगे तो केक तैयार हो गया अच्छे से, लेकिन जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन कलर नहीं आया है। तो हम 5 मिनट के लिए इसको फिर से बेक होने के लिए रख देते हैं। 180 डिग्री में ही हमें कन्वेक्शन मोड पर इसको 5 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देना है। तो ये देखिए केक तैयार है, एक थोड़ा ओवरफ्लो हुआ है। तब हमें इसको कम से कम 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखना है, इसके बाद ही हम क्रीम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। साथ ही मैंने कुछ जेम्स ले लिया है, क्रीम के ऊपर स्प्रिंकल रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा यह बढ़िया सा केक बनकर तैयार हो गया है। और इसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है, आपको स्टेप्स भी बहुत इजी लगे होंगे। और इस केक को आप बनाने के बाद 2 से 3 दिन तक अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो इसको
एंजॉय कर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको इसके अंदर का हिस्सा खोल के दिखाती हूँ। देख सकते हैं आपकी मफिन जो हमने इसमें ऑयल लगाया था, तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से ये अलग हो गया है। और जो ये केक है इसका जो अंदर का हिस्सा आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, केक भी काफ़ी अच्छा बना है, स्वादिष्ट है। तो कैसी लगी ये रेसिपी बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।